हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो तुरंत आपको मिल सके। गाइस, ये तब की बात है जब मैं जॉब से छूटकर रोज की तरह अपने घर जा रहा था। काम से थककर और आराम को जमकर रिलैक्स करने जा रहा था, तभी मुझे पता चला कि मेरा रोज का रूटीन का रास्ता आज बंद है, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया था, इसलिए वो रास्ता बंद था। मैं दूसरे रास्ते पर निकल पड़ा, लेकिन वहाँ पर दो रास्ते थे, एक कच्चा रास्ता था और एक हॉन्टेड हाईवे। लेकिन मैंने मौत को मजाक समझकर उस हंटेड हाईवे पर निकल पड़ा। मुझे पता नहीं था कि उस मोड़ पर मौत मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ रही थी। मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि ये हाईवे हंटेड है, लेकिन मुझे भूतों पर यकीन नहीं था, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो मौत से ज़्यादा ज़िंदगी को क्रेडिट देते हैं। मैं हर पल के लिए जीता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आने वाली मौत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, इसलिए मैं हंटेड हाईवे पर निकल पड़ा। जैसे ही मैं उस हंटेड हाईवे पर पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये हाईवे ज़िंदा है। लोगों की बातें और खुद का भ्रम, ये चीज़ें डर की ज़िंदा तस्वीरें हमारे दिल में छप जाती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो है। मैं आगे बढ़ता गया, खामोशी नज़दीक आती गई, डर के मारे मेरी बाइक की स्पीड भी कम होती गई। तभी अचानक एक आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज होने लगी और बाइक की स्पीड कम। फिर एक टर्नल आया। दूर से ही वो टर्नल इतना डरावना लग रहा था, पास जाने पर तो हालत खराब हो जाएगी। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया और सोच में पड़ गया कि आगे जाऊं कि ना जाऊं। तभी अचानक उस टर्नल में से किसी की आवाज आई। मैं पीछे हट गया, लेकिन आज मैंने आने वाले वक्त और होने वाले पूरे हालात के बारे में सोचा और अपनी जान बचाई, वरना शायद आज अगर मैं उस हंटेड हाईवे पर चला जाता तो शायद कभी वापस नहीं आ पाता और दुनिया के लिए एक रहस्यमय घटना का हिस्सा बन जाता।